हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे रेसलिंग जगत के बादशाह रोमन रेंस के बारे में। सुपरस्टार रोमन रेंस से जुड़ी 20 रोचक बातें। WWE रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हराकर रोमन रेंस ने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाई कर दिया था। फिलहाल वह WWE के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। लगभग पिछले 2 साल से यह दिग्गज रेसलर यूनिवर्सल चैंपियन बना हुआ है। रोमन को हराना फिलहाल हर WWE सुपरस्टार का सपना बना हुआ है। अपनी शानदार रेसलिंग स्किल्स की वजह से इन्होंने दुनिया भर में अपने करोड़ों फैंस बनाए हुए हैं, और इस बात का पता इससे ही चलता है कि अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए जाने वाले WWE सुपरस्टार रोमन रेंस ही थे। इस सुपरस्टार के बारे में फिलहाल हर कोई जानना चाहता है, और आज हम आपको अपने इस खास वीडियो में रोमन रेंस से जुड़ी ही 20 रोचक बातों के बारे में ही बताने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए डालते हैं रोमन रेंस से जुड़ी 20 बातों पर एक नजर। रोमन रेंस का असली नाम लेटी जोसेफ अनोई है। इनका जन्म 25 मई 1985 को US के फ्लोरिडा में हुआ था। फिलहाल रोमन 37 साल की उम्र के है और WWE इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर में से एक है। रोमन रेंस उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के 8 सदस्य पहले ही रेसलिंग की दुनिया में अपना करियर बना चुके थे। उनके पिता सेगा अनोई और भाई रोसी भी रेसलर थे। वहीं उनके ही परिवार के योकोजुना, रिकिशी, उमागा, द रॉक और द उसोज WWE में अपना जलवा बिखेर चुके थे। रोमन रेंस ब्रेट हार्ट को अपना रेसलिंग आइडल मानते हैं, और यह बात वह अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं। ब्रेट हार्ट के रेसलिंग स्किल्स से रोमन काफी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इसी वजह से WWE में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। वैसे तो रोमन रेंस के सभी मूव देखने में काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनके फिनिशिंग और सिग्नेचर मूव स्पीयर, सुपरमैन पंच, सामोन ड्रॉप, मोमेंट ONF साइलेंस, मल्टीपल कार्नर क्लॉथ्स लाइन है। रोमन रेंस हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं। साल 2016 में उन्होंने काउंटडाउन मूवी में काम किया था। साथ ही साल 2019 में द रॉक के साथ वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शॉ मूवी में देखने को मिले थे। रोमन रेंस की शादी साल 2014 में गलिना जोली बेकर से हुई थी। इन दोनों की एक बेटी है। साथ ही साल 2016 में इनकी पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। रोमन रेंस ने अपनी कॉलेज लाइफ के बाद अपने करियर की शुरुआत नेशनल फुटबॉल लीग से की थी, लेकिन साल 2007 से शुरू हुए अपने फुटबॉल करियर को उन्होंने जल्द ही खत्म कर दिया, और साल 2010 से वह एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए थे। रोमन रेंस का नाम WWE के ग्रैंड स्लैम विजेता रेसलरों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल जब उन्होंने दी मिज को हराकर IC चैंपियनशिप जीत ली थी, तब वो WWE इतिहास के 17वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने थे। सितंबर 2010 को रोमन रेंस ने रोमन लिकी नाम से अपना WWE डेब्यू किया था, जिसमें उन्हें रिची स्टीमबोट के हाथों हार का सामना करना पड़ी डीहा था। रोमन रेंस उन दो WWE सुपरस्टार में से एक है जिन्होंने रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हराया है। दरअसल ब्रॉक लेसनर के अलावा सिर्फ रोमन रेंस ने ही अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने की उपलब्धि प्राप्त की हुई है। 23 अक्टूबर 2018 को रोमन रेंस रॉ के रिंग पर आए थे, और उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दी कि उन्हें लेकेमिया नाम का कैंसर है, इसलिए उन्होंने कुछ समय WWE से ब्रेक लिया, और अपना सफल इलाज कराने के बाद उन्होंने रिंग में एक बार फिर वापसी की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रोमन रेंस का मेन रोस्टर में डेब्यू साल 2012 में हुआ था। दरअसल उन्होंने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट से डेब्यू किया था, जहां उन्होंने जॉन सीना, CM पंक और रायबैक के ट्रिपल थ्रेट मैच में हमला कर दिया था। साल 2015 की रॉयल रंबल के विजेता रोमन रेंस बने थे। उन्होंने रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था। हालांकि इस मैच में सेथ रॉलिंस ने दखल दिया और अपना मनी इन द बैंक कैश कराकर वह WWE चैंपियन बन गए थे। रोमन रेंस स्लैमी अवार्ड जीतने वाले WWE के सबसे युवा रेसलर है। इसके अलावा 2014 में रोमन को सुपरस्टार ONFD आयर के खिताब से भी नवाजा गया था। रोमन रेंस के सबसे खास दोस्त डीन एम्ब्रोज है,
लेकिन साथ ही उनकी अच्छी दोस्ती सेथ रॉलिंस, टाइटस ओ नील, ट्रिपल एच और ब्राउन स्ट्रोमैन से भी है। एक इंटरव्यू में जब रोमन रेंस से पूछा गया कि आप बैटमैन या आयरन मैन क्या बनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने जवाब में आयरन मैन बोला था। रिंग में भी वह अपने विरोधियों को किक मारते हैं और फिर आयरन मैन की तरह आनंद उठाते हैं। रोमन रेंस WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे रेसलर है जिन्होंने अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ब्राउन स्ट्रोमैन और गोल्डबर्ग जैसे 5 बेडेढ़े सुपरस्टार को पिन करके हराया हुआ है। रोमन रेंस ने पहली बार 22 नवंबर 2015 को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में डीन एम्ब्रोज को हराकर पहली बार यह चैंपियनशिप जीत ली थी। रोमन रेंस सोशल मीडिया में काफी फेमस सेलिब्रिटी है। अप्रैल 2022 तक रोमन रेंस के इंस्टाग्राम में 6.2 मिलियन फॉलोअर है, वहीं ट्विटर में इनके 4.4 मिलियन फॉलोअर है और फेसबुक में 3.5 मिलियन फॉलोअर है। रोमन रेंस की सालाना आय भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपये हैं। हालांकि जिस लिहाज से उनका कद WWE में BRH रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में उनकी इनकम में और भी ज्यादा इजाफा होता दिख रहा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।